हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया हुआ है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इस मैदे को माडूंगी। मैंने एक बाउल में ये मैदा डाल लिया है 2 कटोरी, और इसमें मैंने 2 चम्मच रवा लिया है, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच नमक, यह नमक आप अपने स्वाद के अनुसार घटा सकती हैं या बढ़ा सकती हैं, और मैंने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है 2 से 3 चम्मच, और बाकी का मैं पराठे सेकते समय इस्तेमाल करूंगी। अब मैं इसको मिक्स करके माल लेती हूँ। मेरा डो तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए, बहुत टाइट नहीं है, रोटी के बराबर है। जैसे जिस तरह से आप रोटी का आटा मारती हैं, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेकर के इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर 10 से 15 मिनट करीब इसको रख देती हूँ। तब तक मैंने अपना पैन गैस पे चढ़ा दिया है, और ये मैंने परत लगाने के लिए देसी घी लिया है। इसको मैं इसमें गर्म करूँगी, मेल्ट कर लूँगी, और इसमें मैं एक पराठे में कलर लाने के लिए और थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैंने इसमें मिर्चा ली हुई है। इसमें मैं जब मेल्ट हो जाएगा तो ये पिसी मिर्चा डाल दूँगी। मैंने 1/2 चम्मच मिर्चा ली है, कलर भी आएगा और एक तीखापन भी आएगा। अगर आपको तीखापन कम चाहिए तो आप देगी मिर्च इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मेरा घी मेल्ट हो गया है। पैन में जो घी गर्म किया था उसको मैंने इस बाउल में निकाल लिया है। देखिए कितना सुंदर रेड कलर आ गया है। इससे मैं परत लगाऊंगी। इसके साथ मैं इसमें ग्रीन कलर की भी परत लगाऊंगी पराठे में। तो उसके लिए मैंने ये हरा धनिया लिया हुआ है, महीन कटा हुआ। इसको मैं कूटने वाले जार में डाल लूँगी, और मैंने एक नींबू लिया है इसके लिए। इस नींबू का मैंने रस निकाल करके पहले से प्रिपेयर कर लिया है। इसको मैं धनिया को गीला करने के लिए इसमें 1 नींबू का रस डाल दूंगी, और ये 6 लहसुन की कलियां डाल दूंगी, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। अब मैं इसको क्रश कर लूँगी। मैं नमक का इसमें कम इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं चाट मसाला भी डाल लूँगी इसमें। देखिए इस तरीके से क्रश कर लूँगी पूरा। इस तरीके से मैंने इसको क्रश कर दिया है। अब मैं इसको बोल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इसमें लहसुन का और हरा धनिया का एक क्रश किया हुआ बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है। ये ग्रीन कलर एक तैयार हो गया है। इसकी लेयर में लगाऊंगी पराठे में। अब मैं अपना पराठा तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा डो तैयार हो गया है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ आपस में, और इसकी लोई काट लेती हूँ। इसकी मैंने देखी इतनी बड़ी लोई बना ली है। इसको अच्छे से मैश करके मैं बेलूंगी। अब बेलने के लिए मैंने लोई में थोड़ा सा मैदा लगा लिया है ऐसे करके। अब मैं इसको आपको बना के बताती हूँ। इसको मैं अच्छा सा पराठा बेल लूँगी। ये देखिए, मैंने इस तरीके से अपना पराठा बना लिया है, बेल लिया है। इसके ऊपर मैंने ये रेड कलर की लेयर लगाऊंगी। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, इसको पूरी पराठे में अच्छे से लगा दूँगी। ये जितना अच्छा चिकना रहेगा उतनी अच्छी इसकी परत खुल करके आएगी। कितना सुंदर रेड कलर आ रहा है इसके ऊपर, ये देखिए। पूरे पराठे में फैला लूँगी इसको। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दूंगी, इसमें ये लेयर्स आपस में आसानी से अलग हो जाएं, और मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूंगी इसके ऊपर इस तरह से, और मैं इसको धीरे धीरे करके चिपकाते हुए रोल कर लूंगी।
ये देखिए ये देखिए इस तरह से मैंने इसका रोल तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़कते हुए इसको थोड़ा सा ऐसे फैला लूँगी हाथ से ही। अब मैंने जो ग्रीन ये चटनी तैयार करी थी इसकी भी मैं ऊपर से एक लेयर लगा दूँगी। इसको भी मैं पूरे पराठे में बराबर से फैला दूँगी। अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि नमक मेरे ऑलरेडी आटे में पड़ा हुआ है। और ये मैदा डाल दूँगी, अच्छा लग रहा है, डिलीशियस। अब इसके ऊपर मैं प्लेन रिफाइंड ऑयल का एक परत लगा देती हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे कलर इसमें ग्रीन ही रखना है। अब मैं धीरे से इसको रोल करना शुरू करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इसको ऐसे लाके रोल कर लूँगी और फिर इसको ऐसे खड़ा कर दूँगी। मैं पैन चढ़ा देती हूँ अपना, जब तक ये पैन गर्म हो रहा है तब तक मैं अपना पराठा प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये देखिए इसको मैं हाथ से ही जितना साइज आपको करना है उस तरह से मैं बढ़ाती चली जाऊँगी इसको। अगर आपको बहुत मोटा पराठा अच्छा लगता है तो आप इसको थोड़ा मोटा ही रखिए, उसको पकने में थोड़ा सा टाइम देना होता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये ग्रीन कलर, ये मेरा पराठा बन चुका है। मैंने ये देखिए मेरा पैन गर्म हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी और ये पराठा इसमें फैला दूँगी और इसको थोड़ा सा फ्लेम में अपनी धीमी कर देती हूँ और इसको धीरे से पकने देती हूँ। ये देखिए मेरा पराठा ये नीचे से लेयर सिक गई है, मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऊपर से डाल दूँगी और इसको सुंदर पराठा सिक रहा है ये, वाओ डिलीशियस। इसको आप थोड़ा सा प्रेस करते हुए सेक लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा फ्लेम में तेज कर देती हूँ और इस तरह रिफाइंड लगाते हुए अच्छा सा क्रिस्पी पराठा बना लेती हूँ। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसको आप नाश्ते में खाइए, आप इसको चाहे दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए या किसी भी चटनी के साथ खाइए। बहुत सुंदर लेयर्स निकलती हैं इसमें से, ग्रीन ब्रेड और लहसुन का एक फ्लेवर आता है इसमें, कलरफुल फ्लेवर। क्रिस्पी पराठा तैयार हो गया है और कितनी अच्छी लेयर्स निकल रही हैं इसमें, ये देखिए बहुत बढ़िया लेयर्स निकल रही हैं इसमें पराठे में। इसको बस थोड़ा सा धीमी आंच पे सेकना होगा क्योंकि थोड़ा सा मोटा पराठा है जिसके अंदर का मैदा पक जाए। अब मैं इसको प्लेट पे निकाल लेती हूँ। यमी सो डिलीशियस ग्रीन चटनी और उसके साथ ये लच्छा पराठा आप ज़रूर खाइए और झटपट मेरा वीडियो देख करके आप अपने घर में बनाइए, नाश्ते में खाइए। और मेरा ये चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।